आज हम कोलैबोरेटेड वर्क पढ़ेंगे, कोलैबोरेशन वर्क पढ़ेंगे। स्टूडेंट, कोलैबोरेशन क्या होता है? कोलैबोरेशन वो होता है जब कोई राइटर एक जो वर्क होता है वो वर्क अकेला ना लिख के बल्कि कोई सहयोग दे उस वर्क को लिखने में। जैसे शेक्सपियर का ले लो, हेनरी एट, इन्होंने अकेले नहीं लिखा है बल्कि जॉन फ्लेचर ने लिखने में उनकी मदद की है, सहयोग दिया, उसी को कहते हैं कोलैबोरेशन। ओके स्टूडेंट्स, आज हम वही पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोलैबोरेटेड वर्क, ऑथर्स हु कोलैबोरेटेड। सबसे पहले देखते हैं हेनरी एट, जिसको जो शेक्सपियर का वर्क है और जिसको कोलैबोरेशन में कौन लिखा है? जॉन फ्लेचर। हेनरी एट के, अगर हेनरी एट की बात आ रही है तो हेनरी एट में सिर्फ शेक्सपियर ही नहीं बल्कि जॉन फ्लेचर ने उनका सहयोग दिया है। नेक्स्ट देखते हैं टाइटस एंडोनिकस, ये किसके कोलैबोरेशन में लिखा है? शेक्सपियर एंड जॉर्ज पीले। नेक्स्ट देखते हैं द टू नोबल किंग्समैन, ये किसके कोलैबोरेशन में लिखा गया है? शेक्सपियर एंड जॉन फ्लेचर के कोलैबोरेशन में लिखा गया है। ये शेक्सपियर का ही वर्क है बट जॉन फ्लेचर ने सहयोग दिया है लिखने में, अकेले शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। फोर्थ देखते हैं पेरिकल्स, जिसको प्रिंस ऑफ टायरे भी बोलते हैं, ये किसके कोलैबोरेशन में लिखा गया है? शेक्सपियर एंड जॉर्ज विल्किंस। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, हेनरी फोर्थ, ये किसके कोलैबोरेशन में लिखा गया है? शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो। नेक्स्ट देखते हैं हेनरी फोर्थ हो गया, ये शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो के कोलैबोरेशन में लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं रिचार्ड थर्ड, ये किसके कोलैबोरेशन में लिखा गया है? शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो। तो क्रिस्टोफर मार्लो, दो वर्क शेक्सपियर का ऐसा है जिसको क्रिस्टोफर मार्लो के कोलैबोरेशन में लिखा गया। पहला कौन सा है? हेनरी फोर्थ, एंड दूसरा कौन सा है? रिचार्ड थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं टाइमन ऑफ एथेंस, ये किसके कोलैबोरेशन में लिखा गया है? विलियम शेक्सपियर एंड जॉन मिडल्टन। नेक्स्ट है द रीन ऑफ किंग एडवर्ड थर्ड, ये किसके कोलैबोरेशन में लिखा गया है? शेक्सपियर एंड थॉमस किड। नेक्स्ट है लिरिकल बैलेट्स, किसके कोलैबोरेशन में लिखा गया है? विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरिज के कोलैबोरेशन में लिखा गया है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंट ऑफ मार्गरेट निकोलसन, ये किसके कोलैबोरेशन में लिखा गया है? पीबी शैली एंड टीजे हॉग के कोलैबोरेशन में लिखा गया है। ये हो गया फ्रेगमेंट ऑफ मार्गरेट निकोलसन, ये पीबी शैली और टीजे हॉग के कोलैबोरेशन में लिखा गया है। नेक्स्ट है ओरिजिनल पोएट्री, ये किसके कोलैबोरेशन में लिखा गया है? पीबी शैली और उनमें लिखा गया है पीबी शैली और उनकी बहन एलिजाबेथ के कोलैबोरेशन में लिखा गया है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ सिक्स वीक्स टूर थ्रू अ पार्ट ऑफ फ्रांस स्विट्जरलैंड जर्मनी एंड होलैंड, ये वर्क है पीबी शैली का और किसके कोलैबोरेशन में लिखा गया है? उनकी पत्नी है, उनकी वाइफ है मैरी शैली के कोलैबोरेशन में लिखा गया है। नेक्स्ट है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये किसके कोलैबोरेशन में लिखा गया है? चार्ल्स लैम्ब एंड हिज सिस्टर मैरी लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब और उनकी बहन मैरी लैम्ब के कोलैबोरेशन में लिखा गया है। नेक्स्ट है एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस, ये किसके कोलैबोरेशन में लिखा गया है? चार्ल्स लैम्ब एंड हिज सिस्टर मैरी लैम्ब, ये दोनों वर्क चार्ल्स लैम्ब और उनकी बहन मैरी लैम्ब के कोलैबोरेशन में लिखा गया। कौन कौन सा? टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर और एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस। अगला देखते हैं नेक्स्ट है 15 है ओथो द ग्रेट, ये एक ट्रेजडी है, अ ट्रेजडी इन फाइव एक्ट, ये एक ट्रेजडी है जो फाइव एक्ट्स में है, किसकी है? जॉन किट्स की है, लेकिन किसके कोलैबोरेशन में लिखा गया है? जॉन किट्स और चार्ल्स ब्राउन के कोलैबोरेशन में लिखा गया है। नेक्स्ट है पोएम्स बाय टू ब्रदर्स, ये किसके कोलैबोरेशन में लिखा गया है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन और उनके ब्रदर चार्ल्स एंड फ्रेडरिक के कोलैबोरेशन में लिखा गया है। नेक्स्ट है द बॉय इन द बुश,
ये किसके कोलैबोरेशन में लिखा है? डीएच लॉरेंस का वर्क है ये, लेकिन किसके कोलैबोरेशन में लिखा गया है? एमएसएमएल स्किनर के कोलैबोरेशन में लिखा गया है। नेक्स्ट है विडोवर्स हाउस, ये किसका है? जेबी शॉ का है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है, और किसके कोलैबोरेशन में लिखा गया है? विलियम आर्चर। नेक्स्ट है मिस्टर नाइटिंगल्स डायरी, ये किसका है? चार्ल्स डिकिन और मार्क लेमन के कोलैबोरेशन में लिखा गया है। नेक्स्ट है द फ्रोजन डीप, ये किसके कोलैबोरेशन में लिखा गया है? चार्ल्स डिकिन्स एंड विल्की कॉलिंस के कोलैबोरेशन में लिखा गया है। नेक्स्ट है 20 हो गया था, 21 द प्रिंस ऑफ सर्टेन इंग्लिश प्रिजनर्स, ये किसके कोलैबोरेशन में लिखा गया? चार्ल्स डिकिन्स एंड विल्की कॉलिंस के कोलैबोरेशन में लिखा गया है। नेक्स्ट है नो थोरोफेयर, ये किसका वर्क है? चार्ल्स डिकिन्स का, लेकिन किसके कोलैबोरेशन में लिखा गया? ये भी विल्की कॉलिंस के कोलैबोरेशन में लिखा गया है। एंड लास्ट है द स्पेक्टर ऑफ द रियल, ये किसके कोलैबोरेशन में लिखा गया? थॉमस हार्डी एंड फ्लोरेंस हैनिकर के कोलैबोरेशन में लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एक ही वीडियो में पूरा कवर हो गया है, कोलैबोरेटेड वर्क। ओके स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।